नमस्ते वीवर, दिस इज़ मी शाज़िब अशरफ। और जैसा कि आप लोगों को अब तक मेरे टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग रोहतास फोर्ट आ चुके हैं। आज पहले हम लोग गए थे रावत फोर्ट और ये है रोहतास फोर्ट। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग यहाँ क्यों हैं। पिछली दफ़ा जब हम लोग रावत फोर्ट गए, असल में हम लोगों ने नेट पर देखा इसी जगह को था और हम किसी और जगह चले गए थे जो कि वो फोर्ट शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया था। तो बहरहाल, लेकिन फिर हम लोग जब वापस आए तो मुझे एक बंदे ने बताया कि भाई रोहतास फोर्ट एक अलग जगह है, खुदा को मानो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तो रोहतास फोर्ट हमने कहा वैसे ही वेले होते हैं सैटरडे संडे को, हमने कहा कि क्या टेंशन है। सो अभी हम लोग आ गए हैं रोहतास फोर्ट। यहाँ पर आप लोगों को मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा दूँगा। और इतनी देर से पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग बताया था कि हम लोगों ने गिम्बल शिम्बल ले लिया, तो अब ये सीन है कि मैंने सोचा है कि हम लोग दो तरीके की वीडियोस बनाएंगे। एक होगी जो ट्रैवल ब्लॉग होगा, दूसरा होगा जो कि उस जगह के बारे में बताएंगे। जो हम लोगों ने जितनी भी अभी वीडियो बनाई है यहाँ के रास्ते की, वो एक अलग वीडियो चढ़ेगी जिसका नाम होगा इस्लामाबाद टू रोहतास फोर्ट। वो अलग से वीडियो होगी, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी ये जो वीडियो है ये बेसिकली इस क्या बोलते हैं फोर्ट के बारे में, तो ये आप लोग देख लेना और इसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री वगैरह देख लेते हैं हम लोग के वो कहाँ पर है, क्या चीज़ है, वो मैंने से देख के आप लोगों को बैकग्राउंड वाइज में बता दूंगा। काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को। सो और उससे पहले ये बता दूं कि इस जगह पे अगर आप आए हो तो यहाँ पर फ़ी बनता है 20 रुपये, 20 रुपये चार्जेस हैं। बाहर आप वॉशरूम जाओगे तो 10 रुपये और देने पड़ेंगे। सो कोई बात नहीं है, पैसा वैसा ज़्यादा हो तो टेंशन नहीं होती। तो चलिए यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं रावत फोर्ट को और रोहतास फोर्ट को, और आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में हिस्ट्री बताते हैं, खुद भी जानते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सो चले चलते हैं और जानते हैं कि रोहतास फोर्ट क्या है। शेरशाह सूरी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसे एक ऐसी जगह पे किला तामीर करना था जहाँ के लोकल्स उसके ख़िलाफ़ थे और उसके जो कंपेटर था हुमायूं वो उसके सपोर्ट में थे जो कि खकड़ थे, और उसको उस जगह पर एक किला तामीर करवाना था। इस किले में अंदर जाके आपको जो जगहें मिलेंगी उसमें चोहा गुरु नानक, मानसिन हवेली मंदिर, बादशाही मस्जिद, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। अब आ जाते हैं हम लोग दरवाज़ों के नामों पे, जो कि उन्होंने बताया कि हर डिफरेंट दरवाज़ों के डिफरेंट नाम रखे थे। एक दरवाज़े का नाम है सुहेल दरवाज़ा, जो कि अजीम सूफ़ी सुहेल के नाम पे रखा गया और उनकी कब्र भी उसी दरवाज़े के साथ बनाई गई। अब आता है शाह चांद वलीउल्लाह दरवाज़ा, ये एक बहुत ही अजीम सूफ़ी ओबियसली शाह चांद वलीउल्लाह के नाम पे रखा गया, और इनकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि इन्होंने जो इस किले में तामीर में पार्टिसिपेशन किया वो बिना किसी मुआवजे के किया, और इनकी कब्र भी हम लोगों ने आपको दिखाई, वो भी इनके दरवाज़े के सामने ही बनाई गई है। और जैसे कि मैं बताऊँ कि ये जो इन्होंने बिना किसी पैसे लिए जो कंट्रीब्यूशन किया, ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि जो यहाँ के लोकल्स हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वो ऑब्वियसली ओपोनेंट को सपोर्ट करते थे, तो उस ज़माने में मज़दूरों का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, इसीलिए उस ज़माने में यहाँ पर एक ईंट के बदले एक सोने की अशरफी देने का मतलब इन्होंने वो इनामी तौर पर रख दिया था कि इतना यानी कि एक्सपेंसिव था ये। तो जब स्टार्ट हुआ तो इसमें एक ईंट रखने पर एक सोने की अशरफी मिलती थी, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ऑब्वियसली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों को पैसे मिलना शुरू हुए, तो लोगों ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो फिर उसकी वर्थ कम होना शुरू होगी, फिर वो चांदी के सिक्के और फिर सो ऑन सो फॉर उसकी वर्थ फिर कम होना शुरू होगी। अब किले की जो बाहर की दीवारें हैं ये बहुत स्ट्रांग है, ये तकरीबन 10 से 18 मीटर की जो इनकी ऊंचाई है वो है, और इनकी जो विड्थ है वो भी तकरीबन 10 से 13 मीटर के ही दरमियान है। क्योंकि देखें दो तरीके के किले होते हैं, एक किला वो होता है जहाँ पर आप जो ये बादशाह वगैरह थे ये स्टे करते थे अपने लाइक फैमिली के साथ, अपनी महारानियों के साथ, लेकिन कुछ किले होते थे जो कि जंगी पर्पज़ के लिए तामीर किए जाते थे, और किला रोहतास उन किलों में से एक था। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पिछले ब्लॉग में जो हम लोगों ने रावत का ब्लॉग बनाया था, हमने बताया था कि इसने शेरशाह सूरी ने सुल्तान कारंग खान के ऊपर जंग की थी, तो अब आप देख सकते हो कि वो किला इतना छोटा था और ये इतना बड़ा है। इट मीन्स कि ये लोग फाइनेंशियली भी उससे स्ट्रॉन्ग थे, इन लोगों के पास मैन पावर भी ज़्यादा थी, सो नो वंडर कि वो लोग क्यों हार गए। सो इस एतबार से ये किला जो इन्होंने बनाया ही जंगी पर्पज़ के लिए था कि यहाँ से ये लोग किसी भी किस्म का अटैक कर सके, या अगर उन पर कोई किस्म का अटैक होता है तो वो उसको डिफेंड कर सके। ख्वास खानी दरवाज़ा, ये दरवाज़ा शेरशाह सूरी के अजीम जर्नल के नाम पे रखा गया,
जिसका नाम ऑब्वियसली खास खान था। ये दरवाज़ा कला में गुजरने का मेन रास्ता है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट में दिखाया था, जो बाइक में दिखाया था, और ये भी दोहरा दरवाज़ा है। और एक और दरवाज़ा है, उसका नाम है कश्मीरी दरवाज़ा, और उसका नाम कश्मीरी दरवाज़ा इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी डायरेक्शन कश्मीर की तरफ है। शीशी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़े की खासियत ये कि इसको बहुत ही खूबसूरत टाइल्स से ब्लू कलर की बनाया गया, जो कि शाही महल में भी पाई जाती हैं। अब आता है काबुली दरवाज़ा। काबुली दरवाज़ा, वैसे काबुली नहीं, काबुली कह सकते हैं इसे। उसके बाद दो दरवाज़े आते हैं जिसमें से एक का नाम है पीपल दरवाज़ा और एक का नाम है सर दरवाज़ा। सर दरवाज़े का नाम सर दरवाज़ा इसलिए क्योंकि जिस तरह जब आप उससे एंटर होंगे तो उसके साथ फौरन ही एक तालाब है, और तालाब सर मींस पानी। रानी महल भी है यहाँ पर, जिसको मलका का महल कहा जाता है, जो कि हवेली मानसिल के करीब वाक़ है और चार कमरों पर मुश्तमिल थी, मगर अब जो है वो सिर्फ एक कमरा बाकी रह गया। रोहतास फोर्ट बहुत बड़ा फोर्ट है, और हम लोगों ने जो एक गलती की वो आप लोग ना कीजिएगा। और वो गलती ये थी कि हम लोग इस्लामाबाद से निकले थे, और हम लोग इस्लामाबाद से दोपहर 2 बजे निकले थे। ऑल दो कि इसका जो डिस्टेंस है इस्लामाबाद से, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा, बट अगर आपने इस स्पॉट को आराम से और सही तरीके से एक्सप्लोर करना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग सुबह 9 बजे घर से निकलें, ताकि आप लोग तकरीबन 10:30-11 बजे के पास के दरमियान इस जगह पहुँच जाएँ और आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को एक्सप्लोर करें। क्योंकि हम लोग जब 4:30-3 बजे यहाँ पहुँचे, और भागम दौड़ में हम लोगों ने जितनी जगह कवर करने की कोशिश की, लेकिन हम फिर भी पूरी जगहों को कवर नहीं कर पाए। आप देख सकते हो, हम लोग इस जगह पे इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाह सकते थे ले सकते थे वो ली, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और एंजॉय करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट वुड टेक टाइम, आप आराम से थोड़ी जगहों को देखेंगे। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग थोड़ा सा अर्ली निकलें सुबह के टाइम, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को देखें। अब जैसे कि यहाँ म्यूज़ियम था, हम लोग को नहीं पता था, ना किसी ने बताया, ना कोई बोर्ड था, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप घूमते तो आपको खुद मिल जाता। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसका जो फांसी घाट है वो भी मिलेगा। यहाँ पर जो बालकनी है जिसमें हमने सुना है कि 150-200 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे आप जाते हैं, तहखाना टाइप का है, वहाँ पर ये शाही महल और जितने भी इनके शाही खानदान वाले थे वो रहते थे। सो रोहतास फोर्ट तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉक था, इसको बनाते बनाते हम लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गिम्बल का यूज़ करते हुए भागम दौड़, और आप लोग हालत देख रहे हो इस टाइम, स्टार्ट में अच्छी खासी हालत थी और अभी पसीना पसीना हो चुके हैं और सर्दियाँ, मैं जैकेट पहन के आया हूँ। बट होपफुली ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। इसके अब तक मैंने जो है आपको गूगल करके सारी इन्फॉर्मेशन बता दी होगी, जो इस टाइम करंटली मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने गूगल करके आप लोग को सब कुछ बता दिया होगा। सो आई होप आप लोग को वो इन्फॉर्मेशन आप लोग के किसी काम आए, और आप लोग को ये जगह अच्छी लगी, और आप लोग भी इसको विज़िट करना चाहें तो ज़रूर आइएगा। ये बेसिकली जो है इस्लामाबाद से तकरीबन 2 घंटा लग जाता है यहाँ पर आने में, हम लोग को भी 2 घंटा लगा था। फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। अगेन रबात फोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर इतना कोई इंतज़ाम नहीं थे, बट यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम भी हैं। यहाँ पर कैफेटेरिया वगैरह है, फैमिलीज बहुत ज़्यादा मैंने देखी हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं, और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। सो इन्वायरमेंट भी अच्छा है, सो होपफुली आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर एक क्वालिटी टाइम इन्जॉय कर सकेंगे। सो चलिए, आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और क्योंकि हम लोग इस तरह के व्लॉग्स बनाते रहते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अब मैं 2 व्लॉग्स निकालूंगा, क्योंकि एक जो जर्नी है, जर्नी भी अच्छी खासी वहाँ पर जो इस्लामाबाद से यहाँ के रोड पर हम लोगों ने जो भी नज़ारे वगैरह थे, कुछ लोगों को वो भी पसंद आते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि उसके लिए एक अलग व्लॉग बना दें। तो जो इस्लामाबाद से रोहतास फोर्ट तक का जो ट्रैवल व्लॉग है वो आई थिंक इससे पहले आ चुका होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होगा एडिट करने में, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस हफ्ते में 2 व्लॉग्स बनेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, और दिस इज़ मिशाज़ बशो साइनिंग ऑफ।